होए पे ने ए देखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये देखें इस तरीके से सुभान अल्लाह इस तरीके से आपने इनको बनाना है ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर मैं हूं शेफ रिजवान आप देख रहे हैं बाबा फूड आर्नर्स। इधर उधर ना देखो मेरे वाल देखो दम बिरयानी की रेसिपी मैंने कमर्शियल लेवल पे जब मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था आप लोगों को दी। लाखों लोगों ने उसे पसंद किया और कारोबार किया। फिर खवातीन की कॉल आ रही थी जो घर से कारोबार शुरू कर चुकी हैं या छोटे पैमाने पर आप हमें फटाफट से दम बिरयानी की रेसिपी दें। मैंने कई दफ़ा आपको कहा मैं रेसिपियों को लफ्जों में परोने लगा हूँ। एक मिनट से पहले बनने वाली रेसिपी मुकम्मल देखिएगा मुकम्मल गाइड करने वाला हूं तवज्जो से देखिएगा। 2 किलो कच्ची बांसमती मेरे पास चावल है कोई भी अच्छा चावल कच्ची बांसमती आप ले लें। इसको हम भिगोने लगे हैं 30 से 35 मिनट के लिए। पहले मैंने ये कहा ये भिगो दें ताकि ये कंप्लीट हो जाए मामला चावलों वाला। ये देखें ये भिगो दी हमने इसको साइड कर दें। ये लें जी मेरे पास ये 2.25 किलो चिकन है आप 2 किलो भी डालें 2.25 किलो भी डालें इस पैन में शामिल कर दें कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया वाश कर लिया ठीक हो गया। ये मेरे पास 100 ग्राम बिरयानी मसाला है। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको बिरयानी मसाले की दी हुई है मैं अपनी टीम से कह रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दें आई बटन में भी दे दें 100 ग्राम है ठीक है। बहुत कमाल की मैंने रेसिपी पहले जैसे आपको पहले दी है इसमें शामिल कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून शामिल कर दें। टमाटर 1/2 kg शामिल कर दें। शार्ट करने लगे हैं गाली मुका रहे हैं। थोड़ा सा धनिया चस्के ते हुणे नाल आ गए। थोड़ा सा पुदीना वेखो की बन की रहा तुसीं ऐ वेखो बस। ये रेड चिल्ली पाउडर 1-2 टेबलस्पून। सफेद जीरा साबित 1-2 टेबलस्पून। कसूरी मेथी 1-2 टेबलस्पून। खुश्क धनिया पाउडर 1, 2 और 3 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ठीक हो गया। 2-4 काली मिर्चां साबत चस्के आन गए। नमक ये 1 और 2 टेबलस्पून ये अपने टेस्ट के हिसाब से। 150 ग्राम ब्राउन प्याज इसकी रेसिपी भी पहले मैंने आपको दी हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे आई बटन में भी देंगे। काफी लोग ब्राउन प्याज का घर से कारोबार भी कर रहे हैं ये इसमें शामिल करते हैं। चीजें तो होन पड़न गया। ये लें जी लेमन जूस 3 टेबलस्पून या 4 अदद लीमू उनका रस ले लें आप। मेरे पास लेमन जूस था ये डाल दें 3 टेबलस्पून। 500 ग्राम दही आए हाय 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 मक्खन ते हुण बन रहे ने वेखो तो सही की बन रहा है। ये देखो ए देखो ए बन गए मक्खन ठीक हो गया। अच्छे तरीके से दही इसके ऊपर डाल के और अच्छे तरीके से साफ दिल से इसको मिक्स कर दें। साफ हाथों से करें ना करें साफ दिल नाल मिक्स कर दो ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको। हाथ भी साफ रखना हाथ तो ठीक है लेकिन दिल हाथ से पहले दिल साफ रखो मेरे भाइयों अपना दोनों चीजें साफ। इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से और हमने 35 मिनट के लिए तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए चावलों को मैरिनेट करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे बस उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये ना ये खुला पानी बर्तन में ऊपर चढ़ा दिया तकरीबन 4-5 लीटर पानी होगा ये ठीक हो गया। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दें कोई मसला नहीं है। ये 2 से 3 पात तेज पात शामिल कर दें। बादियान के फूल 2 से 3 अदद शामिल कर दें। नमक 2 टेबलस्पून भर के ये 1 और ये 2 फिर बाद में हम चेक करेंगे ठीक है। शामिल कर दें ऊपर से कवर दे दें इसको बॉयल आना। ये नहीं व्यूअर पानी को बॉयल आना शुरू हो गया ये आप देख सकते हैं। अब इस टाइम पे चावलों को हमने वाश कर लिया था चावल इसमें डालने लगे हैं और इसको तकरीबन 90 से 95% हमने बॉयल कर लेना ठीक हो गया। उसमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे 90%। ये ले जी चावल बॉयल हो गए हैं चावलों को मैं स्ट्रेनर में निकालने लगा हूँ अजाने भी हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले जी हमने चावलों को निकाल दिया इसके साथ कप तीला फिर ऊपर रख दिया। घी में अगर बिरयानी पकाएंगे तो टेस्टफुल बनेगी। ये तकरीबन 150 ग्राम घी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया ठीक है। घी को गर्म होने दें उसके बाद इसका प्रोसेस जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ। घी गर्म हो चुका है 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसके अंदर ब्राउन होने दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर मिलता हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो था हल्का सा हमने भुनाई कर लिया
अब ये जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी चिकन अपनी, इसमें शामिल कर लें, शामिल करके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें तकरीबन 3 से 4 मिनट। ठीक हो गया, 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से आपने भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद जब घी छोड़ दिया कोरमे ने, उसके बाद ये सब्ज मिर्चें थी 150 ग्राम, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक हो गया, ये इसके अंदर शामिल कर दें, इस टाइम पे आके अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको, सब्ज मिर्चों को इस तरीके से। ठीक हो गया, ये शॉर्ट तरीकों से बताने लगा हूँ, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गई है। चूल्हे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शोर की माजरत, सब्ज मिर्चों का पेस्ट मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको बंद कर दें, 4 मिनट के बाद मिलते हैं। ये ले व्यूअर, यहाँ पे हमने तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। ठीक हो गया, इसको फिर वापस यहाँ लेके आएंगे ताकि वो हीट पकड़ ले तवा हमारा, दम के लिए, दम के लिए। इसकी आँच को हमने थोड़ा सा कम कर दिया, और ये चावल थे हमारे पास, ये उठाया आपने चावल सारे इसके अंदर। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा कि ये लिक्विड होना चाहिए कोरमा, बहुत ज़्यादा हार्ड करके खुश करके आपने चावल नहीं डालना। ठीक हो गया, इस तरीके से इसको खिला दें, हल्का हल्का पानी है इसके अंदर, ये इसके ऊपर डाल दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं। ये ना जी येलो कलर, फूड कलर येलो, हल्का हल्का जितना पसंद करते हैं, ये देखिए इतना, ये ऑरेंज फूड कलर, रेड भी डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं, ये देखिए बस हल्का सा, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, साथ में ये धनिया और पुदीना, ये धनिया जो हमने बचाया था ये ऊपर डाल दें ऐसे, ये पुदीना हमने बचाया था ये डाल दें थोड़ा सा ऐसे। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपने 2 टेबल स्पून जो है ना इसके ऊपर डाल दें आपने घी के, ठीक है, इस तरीके से ये देखें घी डाल दें, और इसको हम अब तवे पे शिफ्ट करने लगे हैं। ये लीजिए तवे पे हमने शिफ्ट कर दिया इसको, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है, फुल हमने हीट कर लिया, आंच नीचे मीडियम है, अभी मैंने दम वाली आंच पे नहीं किया इसको। ठीक हो गया, इसको फाइल पेपर ले लें, फाइल पेपर लो, कपड़ा लगा वो कपड़ा लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरीके से फाइल पेपर लगा दें, कवर लगा दें ऐसे, ऊपर वेट दे दें ऐसे, इसको ऐसे कवर कर दें अच्छे तरीके से, आए है चस्के बढ़न गए, और इसको 25 मिनट के लिए दम पे लगा दें। ठीक है, 25 मिनट के बाद फिर, और फ्लेम को दम वाली फ्लेम पे कर दें इंतहाई कम, क्योंकि अब हमारा तवा जो है ना वो गर्म हो चुका है फुल, तवा गर्म करने के बाद फ्लेम स्लो कर देंगे दम वाले फ्लेम पे और 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये नवी बार अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं, अब इसका कवर उठाने लगे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान, आए हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चस्के तैयार है चस्के। 1 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दें, हीट निकलने दें, 1 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच फेरेंगे। ये नहीं बोले, 1 मिनट के बाद चम्मच ऐवें बेच नहीं दब देना साइडों से ऐसे आराम से इस तरीके से। ठीक हो गया, नीचे तक, हाँ 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 सुभान अल्लाह, ये देखें देखें घी मक्खन बड़े पे हैं, ये ऐसे इस तरीके से, ये देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत कमाल के अकेला अकेला चावल है, डिश आउट करने लगे हैं, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, है मक्खन तैयार हो पे ने, दम बिरयानी तैयार हो पई है, ए वेखो आ हा हा सुभान अल्लाह, ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, इस तरीके से आपने इसकी सर्विंग करनी है, इस तरीके से आपने इनको बनाना है। ठीक हो गया, ये देखें ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, इसको उठा लो, चाहिए ये ले व्यूअर, इस टाइम पे आके ये रायता, साथ रायता, रायते की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, साथ में सलाद, ये कंप्लीट हमारी दम बिरयानी तैयार होगी, आप सीखने वाले बने, कारोबार करने वाले बने। ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे, और ये 1-2 टमाटर ऐसे। अगर आपको हमारी ये दम बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे भाइयों, जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंच जाएगा और उसका भला हो जाएगा। ठीक हो गया, 18,500 लोग अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।